दिल्ली में डेंगू का कहर बरपा है। शाहबाद चेरी इलाके में डेंगू से ही एक ही गली में रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में डेंगू के 418 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। फरीदाबाद में भी अब तक डेंगू के 511 मामले सामने आ चुके हैं। यूपी के नोएडा में एचआईवी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक हुए ब्लड सैंपल की जांच में 51 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। मोदी की सभा में हिस्सा लेने भोपाल जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी एक बस महू के पास ट्रक से टकरा गई। फिरोजाबाद में खनन माफियाओं ने एक तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश की है। तहसीलदार लालता प्रसाद ने 4 लोगों पर केस दर्ज कराया। गाजियाबाद में हाईवे पर ट्रक और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई जिसके बाद 3 लोगों की मौत। गुरदासपुर के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर एक एड्स पीड़ित महिला से भेदभाव करने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि डॉक्टरों ने ठीक से इलाज नहीं किया जिससे उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। यूपी के बागपत में मिड डे मील खाने से आधा दर्जन बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में समोसा खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुकानदार के खिलाफ अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। यूपी के एटा में 2 सगे भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने तीसरे भाई की हत्या कर दी। करनाल के जिला जेल वार्डन को एक महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जेल वार्डन ने शराब के नशे में महिला से छेड़खानी की थी। दिल्ली गैंगरेप केस के 4 दोषियों को फांसी की सजा पर मुहर लगाने के लिए आज से हाईकोर्ट में मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। मुंबई की फिल्म सिटी में आज भीषण आग लग गई जिसमें शो कॉमेडी नाइट विद कपिल का सेट जलकर खाक हो गया। पंजाब के तरन तारण में चोरों ने एटीएम तोड़कर 15,80,000 रुपए उड़ा लिए। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जमी मुख्यमंत्री करार दिया है। साथ ही बेनी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए अखिलेश सरकार को दोषी ठहराया। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने मोदी के खिलाफ जहर उगला है। आजमी ने कहा है कि जो मुसलमान नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं वो मुसलमान ही नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति में अभी से गर्माहट आ गई है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि पार्टी संथाल के 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आम आदमी पार्टी में भी टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के उत्तम नगर इकाई ने 26 सितंबर से सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भूख हड़ताल कर पड़ जाने की धमकी दी। आसाराम को जोधपुर सेशंस कोर्ट से एक और झटका लगा है। अदालत ने मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग वाली आसाराम की याचिका खारिज कर दी है। झारखंड के गढ़वा में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने 2 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया। दमन में लहरों के बीच फंसी एक महिला को तटरक्षक दल के पायलटों ने बचा लिया। हालांकि रेस्क्यू करने में पायलटों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। नवसारी इलाके में हालात सबसे खराब है। गुजरात के भरूच में भी मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मुंबई में बीती रात से लगातार हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जोगेश्वरी के बैराम बाग इलाके में बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया।